10 एस्ट्रोनॉट एक स्पेस मिशन पर निकलते हैं, मगर अंतरिक्ष यान में इन 10 में से एक बहरूपिया या इम्पोस्टर भी है जो इस मिशन को फेल करने पर तुला हुआ है। स्पेसशिप में बार बार गड़बड़ी हो रही है, एक एक कर एस्ट्रोनॉट मर रहे हैं। अब क्रू मेंबर्स के पास दो ऑप्शन हैं, पहला ये कि खुद को बचाते हुए मिशन पूरा कर लें, या फिर इम्पोस्टर को पहचान कर उसे शिप से बाहर फेंकें। ये किसी मूवी की स्टोरी नहीं, एक गेम का प्लॉट है। नाम है अमंग अस, हिंदी में मतलब हुआ हमारे बीच। आजकल हर तरफ छाया हुआ है, मगर ये कोई पबजी स्टाइल का हाई फाई गेम नहीं है, कतई बेसिक लेवल के ग्राफिक हैं। आईफोन पर तो बढ़िया चलता ही है, मगर सस्ते से सस्ते एंड्रॉयड पर भी मस्त भागता है। मेरा नाम है फैसल और आज हम इसी गेम के बारे में बात करेंगे कि ये इतना पॉपुलर क्यों हुआ पड़ा है। मगर इससे पहले कि हम गेम की डिटेल में घुसें, एक नज़र इसके डाउनलोड नंबर पर डाल लेते हैं। अमंग अस कोई नया गेम नहीं है, इनर स्लॉथ नाम की कंपनी ने इसे 2018 में बनाया था, तब जब कोरोना नाम की सिर्फ बियर आती थी, वायरस नहीं। बाइक चलाते चलाते लोग भच से गुटखा थूक दिया करते थे और पीछे वाला बंदा मैट्रिक्स मूवी के हीरो की तरह उससे बचने की कोशिश करता था। अब तो मुंह पर मास्क लगा होता है तो गुटखा कोई थूके भी तो कैसे। अमंग अस की पॉपुलैरिटी इसी साल के अगस्त और सितंबर महीनों में बढ़ी है, उससे पहले कोई बेचारे को पूछ ही नहीं रहा था। अपने यहाँ तो लोग इसे पसंद कर ही रहे हैं, मगर अमेरिका, मेक्सिको और साउथ कोरिया जैसी जगह पर यह कुछ ज़्यादा ही आतंक काट रहा है। गूगल प्ले स्टोर के टॉप गेम्स के चार्ट में काफ़ी टाइम से टॉप पर चल रहा है। एक एजेंसी है सेंसर टावर, मोबाइल एप्लीकेशन के डाउनलोड नंबर पर नज़र रखती है। इसने बताया कि एंड्रॉयड और आईफोन पर मिलाकर ये गेम अब तक 8.5 करोड़ से ज़्यादा बार डाउनलोड हो चुका है। अगस्त में अचानक से लगभग 2 करोड़ लोगों ने इसे डाउनलोड कर डाला और सितंबर के 14 दिनों में ही लगभग 4.5 करोड़ लोगों ने उसे डाउनलोड कर लिया। अब आते हैं गेम प्ले पर, तो पहले हम इस खेल के नियम समझा देते हैं जिसका नाम है अमंग अस। खेल में दो पाले हैं, पहला क्रू और दूसरा इम्पोस्टर। क्रू का क्या काम होता है? अपने टास्क पूरा करे, इम्पोस्टर ने जो गड़बड़ी की है उसे ठीक करे, अपने साथी की लाश मिलने पर रिपोर्ट करे और किसी पर शक होने पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाए। क्रू एडमिन रूम में लगे हुए लाइव मैप और सिक्योरिटी रूम में मौजूद CCTV फुटेज देखकर भी इम्पोस्टर की तलाश कर सकते हैं। इम्पोस्टर का काम होता है कि वो क्रू मेंबर के साथ घुलमिल कर रहे, टास्क करने का नाटक करे ताकि किसी को शक ना हो, शिप में गड़बड़ी करके उत्पात मचाए और अकेले टहल रहे क्रू मेंबर को ठोक डाले। इम्पोस्टर AC वाली वेंट का इस्तेमाल करके भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। गेम की शुरुआत होने पर सिस्टम अपने आप एक प्लेयर को इम्पोस्टर बनाता है और इम्पोस्टर बनकर खेलने में ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। इस गेम को आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर वाईफाई की मदद से खेल सकते हैं, वरना फिर ऑनलाइन रूम बनाकर भी खेला जा सकता है। ऑनलाइन मोड में आप दुनिया के रैंडम लोगों के साथ खेल सकते हैं या फिर प्राइवेट गेम लगाकर अपने ही दोस्तों के साथ। गेम का जो होस्ट होता है वो गेम के नियम में बदलाव कर सकता है, जैसे डिस्कशन का टाइम पीरियड, वोटिंग का टाइम, प्लेयर की स्पीड, खिलाड़ी कितनी दूर तक देख सकते हैं, एक बंदे को मारने के बाद इम्पोस्टर कितनी देर तक दूसरे को नहीं मार सकता, वगैरह वगैरह। होस्ट ये भी चुन सकता है कि खेल में इम्पोस्टर की तादाद कितनी रहनी है, 10 लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा 3 इम्पोस्टर हो सकते हैं। अब आते हैं मज़ेदार पार्ट पर, गेम में बोलना अलाउ नहीं है। अलाउ क्या, माइक ही नहीं चलता है, तो जो भी बात होती है वो लिख लिख कर होती है, वो भी तब जब कोई क्रू मेंबर डेड बॉडी रिपोर्ट करता है या इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है, तभी चालू होता है डिस्कशन इस बात का कि इम्पोस्टर कौन है। अगर खेलने वाले कायदे के लोग हैं तो आपको मिलता है एक तर्क से भरा हुआ वाद विवाद का सेशन। लोग बताते हैं कि फलाना जगह पर लाश मिली, फिर ऐसी बातें होती हैं कि उधर कौन था, उस बंदे के साथ आखिरी बार कौन सा खिलाड़ी देखा गया था। जिसके ऊपर लोग शक करते हैं वो अपने बचाव में बातें रखता है, यहीं पर पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी सब नज़र आ जाती हैं। गेम में इम्पोस्टर जितना ज़्यादा चालाक होता है उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। इससे पहले पता नहीं था कि आस्तीन का सांप ढूंढना भी मज़ेदार हो सकता है, मगर ये सब कायदे के लोगों के साथ ही होता है, वरना कई गेम में तो मीटिंग बुलाते ही एक प्लेयर ऐसे ही रैंडम तरीके से किसी का नाम ले लेता है और बाकी सब उसको वोट करके बाहर निकाल देते हैं, क्यों, कहाँ, कैसे जैसे शब्द आते ही नहीं हैं। काफ़ी कुछ असली ज़िंदगी की तरह, जहाँ एक बार किसी को बीच बजरिया चोर चोर कहकर चिल्ला दो तो सब दौड़ पड़ते हैं हाथ साफ करने के लिए, क्या चुराया, सबूत क्या है कि इसने ही चुराया है, तुमको कैसे पता कि ये चोर है, टाइप के सवाल तो सब बेकार ही हैं। खैर, गेम में ऐसे ही करते करते क्रू मेंबर बाहर होते जाते हैं और इम्पोस्टर जीत जाता है। जिन खिलाड़ियों को इम्पोस्टर मार देता है या जिन्हें इम्पोस्टर समझकर शिप से बाहर फेंका जा चुका होता है,
वो भूत बनकर शिप पर ही रहते हैं। ये बस टास्क पूरे करते रहते हैं ताकि टीम जीत सके। या ना शिप की गड़बड़ी को दूर कर सकते हैं, ना रिपोर्ट कर सकते हैं और ना ही इमरजेंसी मीटिंग बुला सकते हैं। इनके लिखे हुए टेक्स्ट भी सिर्फ दूसरे भूत को ही दिखते हैं। अगर ऐसा ना हो तो खेल ही खराब हो जाएगा ना, क्योंकि भूत को तो पता ही रहता है कि कौन इम्पोस्टर है। अब जरा पैसों की बात कर लेते हैं, तो गेम पैसे कैसे कमाता है? एक राउंड पूरा होने पर गेम आपको विज्ञापन दिखाता है। एक तो ये जरिया हो गया पैसे कमाने का, और दूसरा है इन ऐप परचेज, यानी गेम के अंदर की खरीदारी। आप अपने एस्ट्रोनॉट को अपनी पसंद का बना सकते हैं, इसका रंग बदल कर और इसको हैट पहनाकर। अगर पैसा खर्च करेंगे तो पूरा का पूरा सूट भी मिल जाता है पहनाने को। पैसे देकर एडवर्टाइज भी हटाया जा सकता है। सेंसर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक अमंग अस ने इन ऐप परचेज के जरिए करीब 24 करोड़ रुपए कमाए हैं। बताते चलें कि गेम को बनाने वाली कंपनी इनर स्लॉथ सिर्फ 3 लोगों की एक टीम है, मतलब कि 3 लोगों ने मिलकर एक गेम बनाया और 2 साल में 24 करोड़ रुपए कमा लिए। इसके अलावा कंप्यूटर पर खेलने के लिए गेम को स्टीम के ऑनलाइन स्टोर से निकाला जा सकता है। कंप्यूटर के लिए गेम की कीमत 199 रुपए है। अब आते हैं पते की बात पर, इस गेम के पॉपुलर होने के राज पर। अमंग अस के डाउनलोड बढ़ने का एक रीज़न तो कोरोना को बताया जा रहा है। दोस्तों के साथ नाके पर बैठकर बकवासें तो हो नहीं पा रही हैं, इसलिए एक दूसरे को इम्पोस्टर बता बताकर गरियाने का ये सबसे आसान तरीका है। दूसरा रीज़न गेम स्ट्रीम करने वाले लोग हैं, वो लोग जो दिन रात इसको खेल रहे हैं और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म पर दिखाते हैं। अमंग अस के पॉपुलर होने का एक और रीज़न हो सकता है, वो है इसका आसान गेम प्ले। इसमें ना आपका बढ़िया गेमर होना ज़रूरी है, ना ही टेक सेवी। आपके पिताजी के साथ साथ उनके दादाजी भी गेम को खेल सकते हैं। मीटिंग बुलाने से लेकर टास्क करने तक सब कुछ काफ़ी आसान है। हर काम के लिए बस बटन सामने ही आ जाता है। गेम का एक ही फैक्टर इम्पॉर्टेंट है, और वो है बहरूपिया की पहचान करना। इसके लिए बस थोड़ा दिमाग लगाना होता है, गेमिंग स्किल्स नहीं। शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत हो, पर 2-3 राउंड खेलने के बाद चीज़ें समझ में आ जाती हैं। मगर कमी तो हर चीज़ में होती है। फिर अमंग अस में ऐसी कौन सी चीज़ है जिनमें सुधार की ज़रूरत है? अमंग अस में अगर पबजी या कॉल ऑफ ड्यूटी की तरह बोल कर बात करने का ऑप्शन होता तो डिस्कशन के टाइम पर आफत ही मच जाती। सब एक दूसरे पर बोलते और कुछ भी समझ में नहीं आता। इसलिए अमंग अस में बात करने के लिए टाइपिंग का ऑप्शन है, मगर इसमें कई बार काफ़ी दिक्कत आ जाती है। हर कोई ऐसे लिख लिख कर सटासट बात भी नहीं कर सकता। अगर इसमें व्हाट्सएप की तरह टेक्स्ट मैसेज के साथ साथ वॉइस मैसेज भेजने का भी ऑप्शन होता तो बढ़िया रहता। गेम में कुल 3 स्टेज हैं, और हर स्टेज में अलग अलग टास्क मिलते हैं। मगर जो लोग गेम को ज़्यादा खेल रहे हैं, उन्हें कुछ टाइम बाद बोरियत होने लग रही है, क्योंकि बार बार वही टास्क फेर बदल करके मिलते रहते हैं। गेम को नए टाइप के टास्क जोड़ने की ज़रूरत है, और इसके साथ ही नई स्टेज जोड़ने की भी। इम्पोस्टर का रोल ऐसा है जिस पर एक अनार 100 बीमार वाली कहावत बहुत सही बैठती है। मगर गेम का इम्पोस्टर सिलेक्शन सिस्टम काफ़ी अजीब है। कई बार ये एक ही बंदे को बार बार इम्पोस्टर बनाता रहता है, तो किसी किसी प्लेयर को इम्पोस्टर का रोल ही नहीं देता। अगर आपने ये गेम आजमाया है तो अपने गेमिंग एक्सपीरियंस हमें कमेंट करके बताएं, साथ ही अपने पसंदीदा गेम के बारे में भी बताएं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए द लल्लन टॉप।